जिला उद्योग बंधु की मासिक समीक्षा बैठक अपर जिला अधिकारी नगर राकेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम सिटी ने उद्यमियों की समस्याओं का गुणवत्ता युक्त समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए, जिसमें मामले की पुनरावृत्ति न हो। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर ने उद्योग बंधुओं से जुड़ी विभिन्न कार्यक्रमों की क्रमवार समीक्षा की तथा नगर निगम को निर्देश दिए कि मंडी एवं गीडा क्षेत्र में फॉगिंग के अलावा नालों की सफाई अवश्य करा दें। उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, स्टैंडअप योजना, जैम पोर्टल, हस्तशिल्प विपणन योजना, मुख्यमंत्री विशिष्ट अल्पशिल्प पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना तथा क्लस्टर योजना की समीक्षा कर निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्य समय से पूर्ण किए जाएं। बैठक में उपायुक्त पूजा श्रीवास्तव, सीओ कैंपियरगंज दिनेश सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा उद्यमी बंधु मौजूद रहे। जो इससे पहले जो मैनुअल मोड में गए हुए हैं, तमाम लोगों का जैसे ब्याज बाजार में और इसमें बहुत उनका पैसा देखा क्या है कि बाकी चीज़ों के लिए फंड्स भी होते हैं, सब कुछ रहता है, जेम पोर्टल इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके लिए बात आती है कि आपके पद लिया है कि जो है उद्यमी लोग जो है मिल करके जो है उनका खर्चा बहन करें, गवर्नमेंट खर्च कर रही है वहाँ पर। अगर इस तरह की अगर उद्योग विभाग अगर इस तरह की चीज़ करेगा, जिस उद्योग विभाग के लिए ये होता है कि वही पूरे भारतवर्ष का जो है आर्थिक वो सारा उद्योग के विकास पे चलता है, उद्योग विभाग ये कहेगा कि इंटरप्रेन्योर वो खर्चा वहन करें, तो ये तो बहुत अजीब सी आश्चर्य की बात है। फंड्स तो दुनिया भर का तो गवर्नमेंट के पास, डीएम के पास फंड्स होते हैं, कमिश्नर के पास फंड्स होते हैं, किसी भी अलॉटमेंट शासन स्तर से होता है। तो नहीं नहीं अलॉटमेंट के नहीं, बहुत से ऐसे फंड होते हैं कैसे भी करके होते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि उद्योग से रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसके लिए आपके पास फंड्स ही नहीं, क्योंकि व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। हमारा ये कहना मतलब ये छोटी सी चीज़ है, अब उद्योग विभाग इसके लिए भी अगर वो कहेगा कि हमारे पास कुछ फंड्स नहीं है, कोई नहीं है, तो बड़ी अजीब चीज सवाल है कि यहाँ का आइए, कहाँ पर हो, सारी जानकारी ना होने की वजह से सारी परचेज बाहर की।